talk about today's topic. Zarex, basic question होता है कि why we are discussing this topic. तो innovation की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि World Economic Forum की Future of Jobs report बड़ा important document है. And I hope कि हर जो university student है और even हर professional वो इस document को ज़रूर पढ़े और देखे. तो ये आपके लिए भी reference है जी, मेरे लिए भी, कि इसमें जो उन्होंने स्किल्स बताए हैं ये आज की 21st सेंचुरी की वर्क फोर्स के लिए बड़े ज़रूरी हैं. तो ज़रा एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल बनाने के लिए तमाम स्किल्स की ज़रूरत है, लेकिन आज हम सिर्फ एक की बात करेंगे, वो है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. तो वो ज़रा इन टॉप 10 स्किल्स में शामिल है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन राइजेज कि समटाइम्स हमें फील होता है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट को ही फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे देखें तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि, और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने हमारे यहाँ एक साल के दौरान में इस कीवर्ड को भी गूगल किया है. तो इनोवेशन हो या क्रिएटिविटी हो, जैसा कि आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैं यासिर साहब का और मेजर साहब का और अफजाल डॉक्टर अफजाल का भी मशहूर हूँ, और अल्लाह की ज़ात का करम है कि हम इस इम्पॉर्टेंट आइडिया पे बात कर रहे हैं. तो जाहिर है बताने का मकसद सिर्फ यूँ है कि गूगल भी इस चीज़ को पाकिस्तानी करते हैं. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. कंटेंट्स क्या होंगे, ये भी जाहिर है एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है बताने की कि हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो ये मेरे बेसिकली कंटेंट्स होंगे, और बीच में मैं आपके साथ गूगल फॉर्म्स के ज़रिए कुछ सेशन को भी इंटरेक्टिव रखने की हम कोशिश करेंगे. एक आइडिया है, उसके ज़्यादा कुछ रिजल्ट्स मेरे पास होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ हम डायनामिकली अपनी ऑडियंस से देखें कि हमारी ऑडियंस क्या कहती है. तो इस वक्त में इस ड्यूरेशन में हम देखेंगे जी कि इनमें से कौन से टॉपिक्स को ज़रूर हम मुकम्मल कर पाएंगे, जो बावजूद ज़रा वक्त की किल्लत के ना हो पाए या हमें इंटरनेट ने ना करने दिए, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला किसी और प्लेटफॉर्म पे हम मुकम्मल करेंगे. आगे बढ़ते हैं सर. पहला है जी इनोवेशन इन एक्शन. तो आइडिया यही है कि ये सिर्फ एक बस वर्ड नहीं है, या ये नहीं है कि सिर्फ हम ये कहें कि ये आज की ज़रूरत है तो हम बात करें. ये कुदरत ने हमें एक ये क्रिएटिविटी की दी हुई है, सलाहियत दी है. बाई बर्थ हर बच्चा जो है वो इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है. और जो बड़ी जो इनोवेशंस आज की जा रही हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं या इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, वो इसी आइडिया को आगे लेकर चल रहे हैं. और अच्छी बात ये है कि सिर्फ ये ना समझा जाए कि इनोवेशन के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए और उसके बाद हम कोई जो है ना वो कोई नई बात करेंगे. आपकी जो इनोवेशन है वो एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है आपकी अपनी ज़िंदगियों में, आपके अपने डिपार्टमेंट में, आपकी अपनी इर्द गिर्द की ज़िंदगी में. और इनोवेशन, हर इनोवेशन यूनिक होती है, और इसके लिए ज़ाहिर है कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ स्किल्स हैं जिनकी ज़ाहिर है बात करना बहुत ज़रूरी है कि ताकि हम इन चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट भी कर सकें. और ये की स्किल्स हैं, यही बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी इनको हमने हाईलाइट किया है. तो आगे इनका इंशाल्लाह ताला अभी कुछ देर में हम बारी बारी इनको डिसेक्ट भी करते हैं कि बेसिकली वो कौन सी की स्किल्स हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडिविजुअल को ज़रूर हैं कि वो अपने आप को इनोवेटिव बना सके और इनोवेशन को इम्प्लीमेंट कर सके. तो ये आज की हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो इवन इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ है उसके लिए भी ये एक ज़रूरी अमल है. ओके, एक इसी तरह से टेक अ मोमेंट और मैं कुछ शेयर करता रहूँगा बीच में, कुछ कोटेशंस भी. और यहाँ पे एक और है आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरे रेफरेंसेस जो है ना वो डाउनलोडेबल होंगे, वो चाहे किताब हो चाहे कोई रिसर्च पेपर हो, तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा, वो डाउनलोड किए जा सकते हैं. तो ये आपके लिए अवेलेबल होगा. ओके जी, एक आइडिया हमने मुकम्मल किया कि इनोवेशन हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, कोई भी हो, इवन एजुकेशनिस्ट भी. मेरा ख्याल है जो हम एजुकेशनिस्ट हैं जो, या इवन जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूर है कि वो
अपने डोमेन में देखें कि वो क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके जी, नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि हाउ एन इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज। तो इसको कुछ देखते हैं इस हवाले से। तो कुछ एक्सपर्ट्स हमें ज़रा गाइडलाइंस दे रहे हैं कि कुछ भी ऐसा करना है हमें जिसका इम्पैक्ट हो लोगों की ज़िंदगियों में, जो है कोई वैल्यू ऐड हो। और उसमें ज़ाहिर है एक एक्सट्रीम ये है कि ज़रा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस भी लोग कर रहे हैं कि जो पूरा क्या कहना चाहिए पूरा लैंडस्केप चेंज कर देती हैं, और ज़रा लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ भी आ रही हैं। लेकिन उसके साथ ये कि देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कितनी जो कैपेसिटी है कम अज़ कम मैं उसके मुताबिक काम करूँ। क्योंकि ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह की ज़ात ने हमें वो जवाब दे अपने अमाल का रखा है कि हमसे हमारे वक्त का और हमारी जो कैपेसिटी है उसका क्वेश्चन किया जाएगा। तो इसके लिए ज़ाहिर है हमें मुझे आपको हम सबको तैयारी करनी है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये ज़ाहिर है सर कुछ मेकर कनेक्शंस हैं, ये मैं ज़ाहिर है कुछ आपसे शेयर करूँगा अभी गूगल फॉर्म्स के थ्रू। ओके जी, कुछ भी करना है हमें और छोटी सी तब्दीली भी अगर हम ला सकें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए ज़ाहिर है आइडिया पहला ये दिया जा रहा है कि जो बड़े बड़े इनोवेटर्स हैं जो इनोवेशंस कर रहे हैं वो पहली जो अच्छी स्ट्रेटजी है वो ये है कि जी बारो इंस्पिरेशन। मेरा ज़रा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो मैं बात करूँगा कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोगों से भी बात करना चाहिए, मुझे जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनके कॉलीग से भी रिसर्चर से भी मुझे रबते में रहना चाहिए। तो इंस्पिरेशन आप बोरो करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को अपने टैकल करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बात करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई ना कोई आपको आइडिया वहाँ से मिल सके। तो ये जी एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी स्ट्रेटजी जो कि हम लोग करते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो आज हमें बताया जा रहा है कि ये करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर इंसान है इंसान भूल जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे इस चीज़ की याद दहानी करवाई जाए। ओके जी, पहला ये एक आर्टिकल है उसका रेफरेंस और उसमें से इम्पॉर्टेंट डेटा कि ये जब हम बॉरोड इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो 3M के जो मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने जो है सर्जिकल इन्फेक्शंस वालों से वो इंस्पिरेशन ली। तो ये एक उन्होंने अपनी को प्रोडक्ट डेवलप की लेकिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से नहीं किसी और डोमेन के लोगों से इंस्पिरेशन ली। तो ये उस आइडिया को हम हैमर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अगर सर कहीं मेरी आवाज़ ना सुनाई दे रही हो या मेरी स्लाइड स्टक हो जाए तो मुझे बताते जाइएगा ताकि जो है ना, और चैट बॉक्स भी जा रहा है हमारा अच्छा है टूल के हम चैट बॉक्स के ज़रिए भी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, करना कुछ है हमें अपनी जॉब में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने जो हमारे पीयर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए, जो भी हमारा रोल है जो भी हम कर रहे हैं। तो ये ज़रा किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है कि ये R&D डिपार्टमेंट वाले जो है ना वो बाबू करेंगे या फलाना जो है ना बंदा करेगा, ये एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ओके, अगर अभी भी वो ज़रा बताया जा रहा है कि अगर अभी भी आप कन्विंस नहीं हुए, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सारे पाकिस्तानी कन्विंस्ड हैं कि हमारे जो मसाइल का हल है वो फ्रेश इलेक्शंस भी हैं, लेकिन उसके अलावा अल्लाह करे इलेक्शन भी हो जाए और अच्छा सारा कुछ स्मूथली चीज़ें हो जाए, उसके अलावा हमें अपनी ज़िंदगियों में ज़ाहिर है वो ये तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल कोट की जा रही है जी जेफ बेजोस की, कि वो अपने जब भी इंटरव्यू करता है तो वो कहते हैं जी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कैंडिडेट से कि मुझे ये बताओ कि तुमने पिछले 18 साल या 25 साल में कुछ नया किया है, कोई एक्सपेरिमेंट किया है। और फिर उसने उसे एलैबोरेट भी किया है एक इंटरव्यू में कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास बंदा आ रहा है एक यंगस्टर आ रहा है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उसने कुछ नया ट्राई किया हो। तो फिर जो टेक अवे मैसेज यही है कि अगर वो अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये उम्र जो है सिर्फ एक सोचने वाली बात है, उम्र एक नंबर ही होता है, तो असल में इंसान को अपने अंदर का जो है वो बच्चा उसको कैटर करना चाहिए। तो जेफ बेजोस हमें आइडिया दे रहा है कि हम भी नई चीज़ें ज़रूर ट्राई करते रहें,
ओके जी, अगेन वो आर्टिकल का क्या कहिए, लिंक, उसका यूआरएल भी मैंने शेयर कर दी है और उसका टाइटल भी, तो ये आप बाद में देख सकते हैं। और अगर हमें लगे कि जी हमारे पास कोई आइडिया है लेकिन हम सेल्फ डाउट का शिकार हैं, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं जी दो तरह के डाउट्स होते हैं, एक होते हैं आइडिया डाउट, एक होता है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट हर बंदे को होता है और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आइडिया डाउट जो है ना, जो है बल्कि सॉरी थोड़ा मैं गलत कह गया, कि आइडिया पे डाउट हर बंदे को होता है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सेल्फ डाउट बुरी चीज़ है, जैसा सेल्फ पिटी जो है ना, कि बंदा खुद तरसी का शिकार हो जाए कि मैं ये कर नहीं सकता, मेरे पास ये वसाइल नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है, तो ये सेल्फ डाउट जो है ना, ये पैरालिसिस क्रिएट करता है। तो इससे बचना है जी, अपने आइडिया पे अगर आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, लोगों से डिस्कस करें, अपने आप को चैलेंज करें और एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि आप फ्रेश आइडियाज़ के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स आपके हैं, मेरे हैं, मेरे डिपार्टमेंट के, उनके लिए अब आप क्या क्या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे, हाउ कि आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और फिर किसी ना किसी तरह उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आइडिया फिशिंग के लिए पहली जो कॉमन स्ट्रेटजी है वो है ऑब्जर्व। चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, चीज़ों को होते हुए देखना चाहिए। अपने डिपार्टमेंट में कभी, जैसे वो क्या कहिए, कहते हैं हम बड़े जो बादशाह होते हैं, या रिसेंट टाइम्स में हमने कोरोना में देखा कि डॉक्टर डॉक्टर प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब भी एक दिन मास्क पहन के शायद इस्लामाबाद में कुछ खाने पीने की दुकान में घुसे थे, तो उन्होंने तस्वीर हमने देखी। तो वो ज़रूर है कि हम अपने दफ्तर से निकलें और कहीं और डिपार्टमेंट में एक एज एन ऑब्जर्वर बैठ कर देखेंगे चीज़ें क्या हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, दूसरी स्ट्रेटजी है सवाल करें। ये हमें ज़रा थोड़ा सा है, मैं ज़रा एकेडमिया का ज़्यादा हिस्सा रहा हूँ और उसमें हम खुद भी पहले इस चीज़ का शिकार रहे कि हमें अक्सर जब हमने सवाल किया हमें हमारे उस्तादों ने, पहले मैं ये क्लेम कर लूँ, ये बता लूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हूँ मैं समझता हूँ कि वो हमारे वालदैन की और हमारे उस्तादों की मेहनत है। बट ये हैविंग सेड डेट, वो ये कि अक्सर उस्ताद वो जो है ना, वो बेचारे कुछ चैलेंजेस का शिकार होते हैं, तो वो आपके हर सवाल को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और ज़्यादा आप सवाल करो तो फिर चुप करके बैठा देते हैं। तो ओवरऑल हमारा थोड़ा सा मैं बड़ा यानी कि मुख्तात होकर कह रहा हूँ कि थोड़ा चैलेंज है हमें, कि हमें घर में भी चुप करा दिया जाता है, अब्बा जी भी हमारे सवालों को, घर वाले भी अप्रिशिएट नहीं करते, और इवन स्कूल कॉलेज इवन एट द यूनिवर्सिटी, और आगे अगर मैं बढ़कर बात करूँ कि दफ्तर में भी ज़्यादा सवालों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो ये कल्चर बहरहाल इंशाल्लाह ताला चेंज होगा। बताया ही जा रहा है जी कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तरीका है, स्ट्रेटेजी है, कि सवाल आपके जहन में पैदा ज़रूर होना चाहिए। आपको जवाब मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो बात दी गल है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन करना और सवाल का पैदा होना बड़ा नेचुरल है, ये होना चाहिए। और ये क्यूरोसिटी हमें अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में पैदा करनी चाहिए, और अगर हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले तो कम से कम जो यंगस्टर्स, जो नई जनरेशन आ रही है, हम उनके सवाल सुन सकें। ये तहम्मुल, ये सब्र, ये कैपेसिटी पैदा कर सकें, कम से कम हम सुनने की आदत डालें। ओके जी, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर, विजिट न्यू प्लेसेस एंड ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है, जैसा कि आज आप ये कर रहे हैं, हम अपने दफ्तरों में बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कुछ नई बात कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ आइडियाज़ को। फिर है जी नेटवर्किंग, चौथी स्ट्रेटजी ये है कि आप लोगों से सज्जे खब्बे रब्ता करें। ऐसे मैंने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बाहर निकल के सिविल वालों से, केमिकल वालों से, दूसरे लोगों से बात करनी है, तो क्योंकि लोगों की बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, लोगों का ज़ाहिर है सारा कुछ डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, तो नेटवर्किंग बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। ओके जी, यहाँ सर ये कुछ टूल्स हैं, ये मैं आपसे ज़ाहिर शेयर कर दूंगा, वो आप इंशाल्लाह अगला बाद में प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो ये चार स्ट्रेटजीज हैं, ऑब्जर्व, क्वेश्चन, एक्सप्लोर एंड नेटवर्क। तो यहाँ ज़ाहिर है पिछले कुछ देर से सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, किस्म का मोनोलॉग हो रहा है, तो उसको हम मोनोलॉग को इंटरेक्टिव बनाते हैं। और मुझे अभी जो टेप्टा का स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है मरी में,
वहाँ रिसेंटली इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिला कुछ हफ्ते पहले, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की मेजर साहब से और डॉक्टर नईम साहब से और यासर साहब से कि सर मुझे इस आइडिया पे अपने यहाँ पर भी कोलीग से बात करने की वो अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो आई एम थैंकफुल जी, और मैं आप लोगों का भी मशकूर हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस इम्पॉर्टेंट आइडिया को वो कर रही हैं एक्सप्लोर। ये मैं आपके साथ सिर्फ चैट बॉक्स और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ लिंक, और आपसे ख्वाहिश ये है, फरमाइश ये है कि आप इसमें इस गूगल फॉर्म को ओपन करें और वो बताएं, अपनी इनपुट दें, ठीक है। यानी कि वो यहाँ ज़रूर है कि वो खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तो ये अब आपने बताना है कि आप क्या समझते हैं। सर सवाल यही है, बल्कि मैं तो इधर गूगल फॉर्म्स है ना मेरे सामने खुला हुआ कि ठीक है, इफ़ यू मैनेज अदर्स और वर्क विद अ प्रोजेक्ट टीम हाउ कैन यू एनकरेज देम टू डू देयर ओन आइडिया फिशिंग। लेकिन सर अब आपने बताना है कि आप अपने दफ्तर में, अपनी ज़िंदगी में, जहाँ भी आप मौजूद हैं, आप इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी जनरली इम्प्लीमेंट करते हैं और कौन सी चीज़ आपकी तबीयत से लगा खाती है। यानी कि मैं यहाँ लाहौर में एक बाल टाउन में बैठा हूँ और आप कहीं भी मुझे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कहीं भी अपने दफ्तर में बैठकर, तो यकीनन आप अपने मसलों को अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हल कीजिए। मुझे रिस्पांस आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ना, ये मज़े की बात है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के चैलेंज भी हैं, जैसे हमारे शुरू के 15 मिनट वो मैं देख रहा हूँ बस वो घूम रहा है, दायरा घूमता जा रहा है व्हाट्सएप का, और मैं बड़ा अपने आप को, वो सारा इंसान को एहसास होता है कि इंसान कितना कमज़ोर है। जैसे पहला रिस्पॉन्स किसी ने दे दिया मुझे अभी, किसी जो भी मेरे पास आ रहा है वो नाम नहीं आ रहा, मेरे पास सिर्फ बंदे का ईमेल आया, तो जो भी है जी अल्लाह ताला भला करे। ये सर टेक्नोलॉजी है कि हम टेक्नोलॉजी का बस ऑप्टिमल यूज़ करें और क्या क्या करें, और हम उसे अच्छे तरीके से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन मीनवाइल मैं देख रहा हूँ 81 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, तो मैं चाहूँगा कि लो जी 4 रिस्पॉन्स हो गए। देखिए ना मेरे पास डायनेमिकली वो आ रहा है, अल्लाह आप सबका भला करे। मुझे गूगल फॉर्म्स बता रहा है कि इस वक्त इतने इतने लोग इनपुट कर चुके हैं। तो सर नो ग्रेड्स एट स्टेक, मैंने आपके ज़रा को मार्किंग नहीं करनी, ये सिर्फ वो है आपसे एक इंट्रैक्शन करने की कोशिश कि हम देखें कि हम पाकिस्तानी ऑलरेडी, देखिए ये जो कंटेंट है ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये मैंने कोई नहीं बनाया, ये ज़रा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का और कुछ और जो इनकी IEEE और ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरा ख्याल है यासर साहब ने मेरा तारुफ करवाया होगा, तो ये उनका है। लेकिन ज़ाहिर है इसे प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मीन वाल जी जहाँ आप वो मेरे साथ इनपुट कर रहे हैं गूगल फॉर्म्स पे, मैं आगे बढ़ता हूँ जी। तो ये सर जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े जो लोगों ने एम्पायर्स खड़े किए हैं वो ये किए हैं, दे आर कनेक्टिंग द डॉट्स। वो लोग यानी कि यही कर रहे हैं कि अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और सिर्फ क्या कहना चाहिए, ऐसे तमाशाई ज़िंदगी को नहीं देख रहे, वो ज़िंदगी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें वो पीछे भी स्लाइड में एक बिलियनर का जिक्र किया, अगली में एक और सीरियल एंटरप्रेन्योर आ गया, वो भी यही कहता है जी ऑलवेज बी कनेक्टिंग द डॉट्स। जो भी डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना आपके इर्द गिर्द हैं, मुझे नहीं मालूम वो ज़ाहिर है आपके डिपार्टमेंट वाले आपके बॉस को यकीनन मालूम होंगे या आपको पता है, तो अपने डॉट्स को आपने कनेक्ट करना है। जैसे ये बता रहा है, ये सर रिचर्ड ब्रांसन भी बता रहा है हमें कि हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, देखना है, और उसके बाद उन नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है।
और इसी तरह फिर डेटा साइंस आ गया जी, और वो हमें बताए जा रहे हैं कि जो हैं जो भी टीम्स एक से ज़्यादा, बल्कि बताया जा रहा है कि 5 या इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस को इन पैरेलल एक्सप्लोर करेंगी, वो 42% ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी उन कॉमन ग्रोहों, उन टीम्स के नस्बत जो सिर्फ एक ही प्लान के साथ चल रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक फेमस, पता नहीं मुझे अब यहाँ नाम याद नहीं आ रहा, अमेरिकन जनरल ने कहा था, प्लान्स प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। तो यही यहाँ पर भी सर बात ये कि आप अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस पे चल रहे हैं, जिंदगी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और चुपचाप बस चले जा रहे हैं जिंदगी की एक ही डगर पे, तो वो ज़ाहिर है फिर हमारी अपनी चॉइसेस है। ओके जी, नेक्स्ट, एक्सपेंड योर ऑप्शंस, इसी पे हम बार बार बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करना हमें मसले, ठीक है, अहमियत रखते हैं, हमें मसलों के हल ढूंढने हैं और हमें ज़रा सॉल्यूशंस की तरफ जाना है कि सॉल्यूशंस क्या हैं, तो फिर हम ज़रा क्रिएटिव हो सकेंगे। उसके लिए हमें दो स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं। नंबर 1 है जी, गो बियॉन्ड द ऑबवियस। नंबर 2, मल्टीप्लाई योर प्रॉब्लम्स। आगे बात करते हैं साथ। पहली स्ट्रेटजी बताई जा रही है गो बियॉन्ड द ऑबवियस, ठीक है। तो अक्सर जो हमारे साथ, यानी कि ये सिर्फ ये नहीं हो रहा कि हम पाकिस्तानियों के साथ, ये पूरी दुनिया में लोगों के साथ चैलेंज है कि जब भी वो इनोवेशन की बात करने लगते हैं तो वो देखते हैं लोग, कस्टमर क्या कह रहे हैं, ठीक है जी, किस तरह की प्रोडक्ट सर्विस या प्रोसेस वो चाह रहा है। तो इसमें एक चैलेंज ये है, बड़ा चैलेंज ये है कि जब आप लोगों पे सिर्फ डिपेंड करेंगे ना, और ख़ास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना अल्लामा इकबाल, है जी, शायरे मशरिक, उन्होंने कहा था ना, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो वो चैलेंज आ जाता है जी, जमहूरियत के साथ ये चैलेंज भी है। तो उसमें ये, अगर आप लोगों की सिर्फ राय पे चलेंगे तो वो अनइमेजिनेटिव बात हो जाती है। क्यों? वजह ये है कि हम जो लोग हैं वो अक्सर जो ऑब्वियस जो क्या कहना चाहिए, नतायज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उनसे आगे हम सोचते ही नहीं हैं। बस हमें एक ही रास्ता नजर आता है, एक से ज्यादा नजर नहीं आते। इसके अब एग्जाम्पल से इसे साबित करते हैं जी। आखिर क्यों, ये क्यों बात की जाए? वजह ये है कि हेनरी फोर्ड, बड़ी मशहूर असेंबली लाइन उन्होंने ईजाद की और इन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हर अमेरिकन के पास, और अल्टीमेटली हर बंदे के पास गड्डी आ गई। तो इन्होंने जब ये अपनी ये इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की, तो इन्होंने कहा कि अगर मैं लोगों से पूछता ना, उस वक्त की आवाम से, उस वक्त के अमरीकनों से पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते, क्योंकि सारे घोड़ों का, घोड़ सवारी का और घोड़ों का, बगियों का रवाज था, तो वो कहते हैं हमें ज़्यादा तेज़ घोड़े चाहिए। तो आप सिर्फ जो है, अगर आप इनोवेशन क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो आपको खुद भी रिसर्च भी करनी है, और उसके साथ ठीक है लोगों की राय भी जाननी है। और इसमें एक और एक्सपर्ट है जी, वो बता रहे हैं कि पीपल डोंट वांट टू बाय ए क्वार्टर इंच ड्रिल, दे वांट ए क्वार्टर इंच होल। ये बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है गो बियॉन्ड द ऑब्वियस के पैराडाइम में, कि लोगों को अपने मसाइल के जो ना हल चाहिए होते हैं, उन्हें हमारी कोई फैंसी इनोवेशन नहीं चाहिए होती, ठीक है जी। हम कहें कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा बजट मेरे पास आया है और दुनिया का सबसे बड़ा मैं ट्रांसफार्मर बनाऊंगा, लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है, लोगों को बिजली चाहिए सस्ती और तसलसल के साथ, ये अभी बिजली स्विच करेगी, दोबारा फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा और हम फिर दायरा घूमते हुए देखेंगे थोड़ी देर, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे हम, थोड़ा सा कोई अल्लाह की ज़ात को याद कर लेंगे। ओके जी, डेटा साइंस से एक और रिसर्च के बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वफात पा चुके हैं, आन जहानी प्रोफेसर क्लेटन क्रिस्टेंसन, तो उन्होंने भी ये आइडिया डिस्कस किया इस अपने पब्लिकेशन में कि जो कस्टमर्स हैं ना, जो भी कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर जहाँ का भी हो, वो मियाँ चन्नू का हो, लाहौर का हो, वो सिर्फ ये चाहता है कि पीपल वांट टू एकम्प्लिश जॉब्स टू बी डन। वो चाहे हमारे बॉसेस हैं, चाहे हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी लोग हैं ना, वो काम चाहते हैं, उन्हें काम चाहिए, उन्हें रिजल्ट चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल्स भी कुछ हैं, हम एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, मेरे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं अगली आगे स्लाइड में शेयर करता हूँ, ये मैं आपसे स्लाइड शेयर कर दूँगा, तो इंशाल्लाह ताला आप देख लेंगे।
इस एग्जांपल को हम गुजार कर आगे बढ़ते हैं। ओके जी, दूसरी स्ट्रेटजी जो बताई गई थी वो थी गो बियॉन्ड द ऑब्वियस के अलावा, मल्टीप्लाई योर प्रॉब्लम्स। यहाँ मुझे ज़रा, मुझे क्या आपको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा कि ये कहा जाए कि मसलों से परेशान ना हो। हमारी तो परवरिश ही ऐसे हुई है कि हमें बताया ही गया, हमने घरों में सुना है कि अब नया मसला पैदा हो गया तो हम मसलों से बड़ा डरते हैं। तो चे जाए कुछ आपने कहा जाए कि अपने मसलों को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये ज़रा फौरी तौर पे ये थोड़ा सा मेटाफिजिकल सा आइडिया लगता है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं रिसर्चर्स हमें बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई योर प्रॉब्लम्स कैसे। तो उसके लिए पहले बताया जा रहा है कि क्रिएटिविटी हमेशा तब होती है व्हेन यू कम विद एन अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो इसमें ये है कि डज नॉट मीन योर फर्स्ट क्रैक एट फ्रेमिंग द प्रॉब्लम इज रॉन्ग। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है मल्टीप्लाई योर प्रॉब्लम्स के डोमेन में, कि हमें अपनी प्रॉब्लम को रीडिफाइन करना है। वो आगे हम अभी थोड़ी देर में एक एग्जांपल देखते हैं तो इसे फिर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ले जी प्रॉब्लम देखते हैं जी, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, अल्लाह भला करे, ये मेरी स्लाइड नज़र आ रही है ना जी, स्टिल शेयर्ड है ना स्क्रीन। बस ठीक हो गया, मैंने कहा वो रूहानी तौर पर रब्ता रहना चाहिए ना जी, ये ना ना हो। वो 2.5 साल हम कोविड में ऐसी क्लासे लेते रहे, हमें CR थोड़ी देर बाद जगाता रहा 15 मिनट बाद, और सर आपका माइक म्यूट कर दिया किसी बच्चे ने। वो हम आदि रहे हैं, आई एम श्योर यहाँ कोई बच्चा माइक म्यूट नहीं करेगा मेरा, आर प्रोफेशनल्स हियर। तो जी एग्जांपल ये, कंसीडर द स्लो एलिवेटर। कोई दफ्तर है जी, वहाँ पर चैलेंज ये है कि लोग शिकायत करते हैं कि जी एलिवेटर बड़ा स्लो है। अब हमें कोई क्रिएटिविटी करनी है, कोई इनोवेशन करनी है कि लोगों को ये प्रॉब्लम जो है उनका रिजॉल्व हो जाए और हमारी बिल्डिंग छोड़ के चले ना जाएँ। ठीक है जी, जो बहरिया टाउन हमने आबाद किया, ये बहरिया टाउन यूँ ही आबाद रहे। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई पहले सबसे किया गया, हमने किया जी एलिवेटर इज़ टू स्लो। तो उसका हमें जो ऑब्वियस सोल्यूशन सूझा वो ये है कि एलिवेटर को तेज़ कर दें। अब इस सोल्यूशन के साथ चैलेंज क्या है? ठीक है, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसका सोल्यूशन प्रपोज कर लिया। तो चैलेंज ये है कि ये एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, ये मुग़ल बादशाहों की तरह कह देना तो बड़ा आसान रहेगा कि एलिवेटर स्लो है तो उसे फास्ट कर दें, नवी एलिवेटर लगा दें। ठीक है जी, मोटर को अपग्रेड कर दें या सॉफ्टवेयर उसका अपग्रेड कर दें। तो ये एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, दीज आर द ऑब्वियस सोल्यूशंस बट दे आर एक्सपेंसिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी, अब देखते हैं कि वो गो बियॉन्ड द ऑब्वियस के बाद क्या होता है। अच्छा जी, हमने प्रॉब्लम को रीडिफाइन किया, मैंने यहाँ सारे कलर्स भी इसी तरह आपने देख रहे होंगे कि मैं कलर्स डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ साइडिया को हैमर करने के लिए। कि वेट इज़ अनॉइंग, हमने थोड़ी देर सोचा जाना और रीडिफाइन किया प्रॉब्लम को कि लोग असल तकलीफ ये है कि उनसे इंतज़ार नहीं होता, और आज के दौर के इंसान से तो उक्का इंतज़ार नहीं होता, हम बड़े बेसब्रे हैं। हालांकि 1400 साल पहले जब कुरान पाक नाजल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो उसमें हमें बताया गया कि इंसान बड़ा बेसब्रा है, उजलत पसंद है। लेकिन आज का इंसान, आज तो हम बहुत ज़्यादा वो जल्दी का शिकार है। तो इसमें फिर क्या किया जाए जी, एक्सपर्ट्स ने रीडिफाइन किया तो उन्होंने फिर सोचा क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी ये जो लोगों का इंतज़ार है ना, इससे किसी तरह उन्हें फीलिंग ये कराई जाए कि ये इंतज़ार मुख्तसर हो। तो उसमें फिर हमें जो सूझे हल वो ये है कि यार ऐसे करें, लॉबी में एक प्यारा सा ना एक कॉफ़ी का कियोस्क खोल दें। ठीक है, एक हल हो सकता है, इट कैन बी वन पोटेंशियल सोल्यूशन। दूसरा हल क्या है, वो उन्होंने कहा जी ऐसे करें ना एक अच्छा सा म्यूज़िक प्ले कर दें, ये इसके आरे लगे रहे। ठीक है, या अगर तीसरा हल बताया गया कि यार आईने लगा दीजिए, पुट अप मिरर जोड़ दें। कुरान पाक में भी हमें बताया गया कि गुमर होती है कि जब इंसान ज़्यादा बालों को संवारता है, बालों में हाथ शाथ फिरता है और आईना देखना आप पसंद करता है। तो इस ये भी लोगों को आप इस तरह एंगेज कर लेंगे, उन्हें वो जो मुश्किल आ रही है, जो इंतज़ार उन्हें तकलीफ दे महसूस हो रहा है, उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सर, रीडिफाइन इसी तरह जी मजीद किया जा सकता है कि वजह यह है कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा लोग पहुँच जाते हैं, सुबह 8 बजे ना, 8 बजे के वक्त और शाम 4 बजे के वक्त जो है ना वो वहाँ पर समझ नहीं आती। आपने वो बीजिंग में देखा होगा, बीजिंग की वीडियोस आई होंगी कि वहाँ पे उन्होंने बंदे रखे हुए हैं कि जो बंदे सुबह 8 बजे या पीक टाइम पे लोगों को अंदर धक्का दे रहे होते हैं उनकी ट्यूब्स में।
तो सर यही यहाँ पर फिर पोटेंशियल सॉल्यूशन सोचा गया। उन्होंने कहा जी ऐसे करें, ये स्टैगर कर दें लंच टाइम को, लोगों को जो मोटे हैं, या मोटे नहीं सॉरी कहना चाहिए, चले लोगों को इंसेंटिव दें कि लोग सीढ़ियाँ चढ़ें, जो सीढ़ियाँ चढ़कर आएगा उतरेगा, लिफ्ट यूज़ नहीं करेगा, हम उसे कोई इंसेंटिवाइज कर दें लोगों को। हाँ जी वर्क फ्रॉम होम, कल भी मैं पढ़ रहा था, शायद आप लोगों की नज़र से खबर गुजरी हो कि न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने कहा है कि हम दफ्तर नहीं आएंगे, हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो बंदा कहता है जी हफ्ते में एक दिन दो दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर लें। तो एनीवेज द आइडिया इज कि अगर हम पहले स्लाइड पे फंसे रहते हैं पहले आइडिया के साथ, तो हमारे पास सिर्फ वही सोल्यूशन थे, लेकिन वेन वी ट्राई टू रीडिफाइन आर प्रॉब्लम, तो हमारे पास फिर वो ज़्यादा सोल्यूशन हैं। आगे बढ़ते हैं सर। तो ये फिर मे का कनेक्शन आ गया जी। तो यहाँ पे यही 30 सेकेंड्स, इसका भी टेक अवे यही है कि हमें कुछ ना कुछ नया करना है, कोई नए आइडियाज सोचते हैं, अपनी ऑप्शंस को एक्सपेंड करना है, अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, अगेन रीडिफाइन करना है, सो डैट वी कैन कम अप विद मोर पोटेंशियल स्ट्रेटजीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अच्छा नेक्स्ट ही है आइडिया, प्रायोरिटाइज पोटेंशियल इनोवेशन। और इसमें आइडिया ये है कि हमारी जिंदगियां बड़ी मुख्तसर हैं। मैं अक्सर पढ़ता हूँ, हम सुनते हैं कि बताया जाता है कि कायनात की जो उम्र है वो इतने करोड़ साल है, ज़मीन की जो उम्र है वो इतने लाख साल है, जो इंसान आया था वो इतने लाखों साल पहले आया था, ठीक है जी, इतने 100 साल पहले यहाँ पर डायनासोर्स होते थे, और हमारे पास सिर्फ 10,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और उसमें से हमारी ज़िंदगी या क्या है 50-60 साल है, बड़ी माइन्यूट सी है कि 50-60 साल में हम सारा कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज, लेकिन टाइम बड़ा काम है, ठीक है जी, हमारे पास 50-60 साल है, उनमें जो करना है वो हमें करना है, और हम सारे सॉल्यूशंस को परसू कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए सर, हमें फिर ये है प्रायोरिटाइज करना है। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं हमें स्मार्ट चॉइसेस देखनी है, नंबर 2 हमें क्लैरिटी लानी है कि हमारी अजम्पशंस क्या हैं, और फिर उसके बाद हमें उन अजम्पशंस को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स प्लान करने हैं कि हम अपनी अजम्पशंस को टेस्ट कर सकें। और इसमें जाहिर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट आइडिया है कि अगर हमारी अजम्पशंस हमें मरवा देती हैं, हमारे लिए बड़ा चैलेंज यही है कि कोडेक का नाम मेरा ख्याल है हम सब ने सुना होगा, मैं जरा PTV के दौर का प्रोडक्ट हूँ, और जब अल्लाह वली के रहमत करे कुछ 2 साल पहले तारक अजीज साहब की वफ़ात हुई, तो मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया या तारक अजीज साहब फौत हो गए, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, और जो भी लोग भी वफ़ात पा गए उनके दर्जा बुलंद करे। तो तारक अजीज साहब का प्रोग्राम हम PTV पे देखा करते थे, हमारे दौर में होता ही सिर्फ PTV था, उस पर या हमने खबरनामा सुना या ड्रामे देखे या तारक अजीज साहब का प्रोग्राम देखा या हमने इंतज़ार फरमाइए देखा, ये सारे आज के दौर के इंसान के लिए ये चीज़ थोड़ा परसीव करना डिफरेंट होएगा, मुश्किल होगा। तो बार जी कोडेक कंपनी का जिक्र हो रहा है जी, 1975 में इन्होंने कैमरा बनाया था डिजिटल, लेकिन उनके बड़ों ने फैसला किया, यानी कि यहाँ देखें इंजीनियर का कसूर नहीं है, फुट सोल्जर का ग्रेड 17 के बंदे का ना कोई कसूर नहीं है, उसने डेवलपमेंट की, लेकिन जो लीडर्स थे उन्होंने कहा नहीं यार हम डिजिटल कैमरा लॉन्च कर देंगे, तो साढ़ा एनालॉग कैमरा कौन खरीदेगा, ठीक है जी, और साड़ी फिल्म कौन खरीदेगा, ये नीचे जी कोने में नुक्कड़ में तस्वीर है उस इंजीनियर की, ये भी भाई यार बुढ़ा हो गया होगा, यूट्यूब पे है ये, तो इसने ये डिजिटल कैमरा बनाया, देखे ना आज के डिजिटल कैमरा की नस्बत बड़ा है, ये वजनी है, और इसमें देखे ना टेप भी लगी हुई है। तो बार 1975 में कोडेक जो है ना उसके इंजीनियर्स ने डिजिटल कैमरा बनाया, लेकिन उन्होंने मार्केट नहीं किया, इसका नतीजा फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, नतीजा ये निकला कि 2012 में वो बैंकरप्ट हो गए। अब आज का बच्चा, आज का इंसान कोडेक को नहीं जानता, ठीक है जी, कोडेक अब उस तरह नहीं है, नाइकॉन कैनन आज हम और कंपनीज को जानते हैं। तो कोडेक 2012 में बैंकरप्ट हो गई थी, और इसमें ये अच्छा आइडिया है ये, नंबर 2 लीडर्स यूजेस बैम्बू सोर्ड, नंबर 1 यूजेस स्टील सोर्ड, तो ये इनोवेटिंग आउट ऑफ क्राइसिस अच्छी किताब है, इन जापनीज सीईओ का ये कोटेशन है,
कि जो भी कंपनीज वक्त पे फैसले नहीं करते जो लीडर्स, फिर वो उनका ये हाल होता है कि वो इस तरह बैंकरप्ट हो रहे होते हैं और कैमरा मैन उनकी तस्वीर बना रहे होते हैं। तो यहाँ सर एक कोडेक मूवमेंट, एक कोडेक मूवमेंट जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि कोडेक मूवमेंट एक फ्रेज मशहूर थी कि सेंटिमेंटल और चार्मिंग मूवमेंट वर्दी ऑफ कैप्चरिंग इन ए फोटोग्राफ। तो वो बदल गया 2012 में, उसकी डेफिनेशन बदल गई। इसे आप कोडेक मूवमेंट को याद करते हैं, आज का एक्सपर्ट वो कहता है सिचुएशन इन विच ए बिजनेस फेल्स टू फोरसी चेंजेस विद इन इट्स इंडस्ट्री एंड ड्रॉप्स फ्रॉम ए मार्केट डोमिनेंट पोजिशन टू बींग ए माइनर प्लेयर और डिक्लेयर्स बैंकरप्सी। तो ये बैंकरप्ट हो गया जी कोडेक, तो ये याद रखिएगा कि वो लोग वो इदारे वो डिपार्टमेंट जो इस तरफ तवज्जो नहीं करते। कोडेक बड़ा जाइंट था जी, 100-150 साल उन्होंने हुकूमत की, लेकिन फिर उसके बाद वो कंपनी ख़त्म हो गई। आज हम उसे सिर्फ याद कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। और यहाँ स्टीव जॉब्स ने भी कहा कि इफ़ यू डोंट कैनिबलाइज योर सेल्फ समवन एल्स विल। ठीक है जी, तो ज़ाहिर है स्टीव जॉब्स जैसे कामयाब एंटरप्रेन्योर की बात पे हमें ज़रूर काम धरने चाहिए। ओके जी, मेक अ कनेक्शन, ये आगे एक आएगा मैं शेयर करूँगा। तो यहाँ आपने अपने देखना जी अपने डिपार्टमेंट में अपने डोमेन में कि साहब आपके पास सेफ सॉल्यूशंस क्या हैं, या उसके अलावा आपके एम्बिशियस सॉल्यूशंस क्या हैं। तो मैं थोड़ा सा इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए दोबारा रिस्पॉन्सेज देखता हूँ। मेरे साथ 28 रिस्पॉन्सेज लोगों ने शेयर किए हैं। गुड जी, थैंक यू जी। मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ, 28 ही हैं। ठीक है जी, तो अल्लाह आप लोगों का भला करे। जो लोग नहीं कर पाए गुजारे टेक्नोलॉजी का चैलेंज हम सबको दरपेश है, तो वो है ऐसी कोई बात नहीं। मेरे लिए ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा, मैं बल्कि भी शेयर भी आपसे कर दूँगा कि ज़्यादा लोग क्या वो चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं उनके ख्याल में। ठीक है जी, डाइवर्स है, आगे बढ़ते हैं सर। तो फाइंड ट्यून योर सॉल्यूशंस जी, आपने नए आइडियाज़ आइडेंटिफाई कर लिए, आपने अब उन्हें क्या करना है, उन्हें सॉर्टिंग करनी है उनकी, उनको कंबाइन करना है, उन्हें इम्प्रूव करना है। और इसमें बताया जा रहा है, रिसर्च बता रही है, डेटा बता रहा है कि जो लेटर आइडियाज़ हमें आते हैं वो इनिशियल से पहले आइडिया से ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो ये सारा डेटा बता रहा है, रिसर्च हमें बता रही है। तो हमें जो भी नई रिसर्च आ रही हो उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। तो एक एग्ज़ाम्पल और यहाँ ये फाइनेंशियल एक एनालिस्ट की है, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल की को डिस्कस करने की बजाय जो उसके मेन टेकअवेज हैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि इनकरेज ऑल मेंबर्स टू प्रोवाइड इनपुट नो मैटर हाउ ब्रीफ। आपके डिपार्टमेंट में आपके दफ्तर में जो भी कोलीग्स हैं उनको ज़रूर शामिल करें। बल्कि अगर रात को मैं ड्रामा देख रहा था, आप में से अगर कोई हम टीवी का रात को ड्रामा देख रहा था, तो उसमें मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि उसमें बॉस अपने कोलीग पे अपने जूनियर पे ये नाराज़ हो रहा था कि तुम अकेले फैसले क्यों कर रहे हो, तुम्हें चाहिए कि जो दफ्तर में और मौजूद लोगों की टीम बनाई है ना मैंने, वो मिलके फैसले करे। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। यूज़ क्वेश्चंस टू प्रॉम्प्ट डिस्कशंस, और ये डिस्कशन को शुरू करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप सवाल करें, जैसे मैंने आपसे सवाल किया और आप लोगों ने भी एंगेज हुए। दोबारा डेटा साइंस की तरफ आते हैं जी, डेटा हमें बता रहा है कि इफेक्ट्स और फिगर्स भी एनालिसिस को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन हमें अगर वो डेटा नहीं मिल पाता, हम गूगल करते हैं या हमें याद नहीं है, तो ऐसा कोई ये कोई परेशानी का बात नहीं है। डेटा इज़ ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, आज के दौर में हमें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, एक और सवाल आ गया दोबारा, वो मुझे अक्सर हमें था होता था कि मीटिंग्स भी वो सारे मीटिंग्स भी हम या क्लासरूम में भी स्टूडेंट को एंगेज करें। तो मैं अक्सर सोचता था कि जूम पे या एमएस टीम्स पे हम स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज करें, कैसे लोगों से बात करें। तो ये ज़ारा है बड़ी ऐप्स हैं आजकल और बड़े टूल्स हैं हमारे पास, तो ये गूगल फॉर्म्स इज़ वन ऑफ देम। तो मैं एक और ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्लाइड आप यकीनन देख रहे हैं, और मैं आपसे सर एट दिस मोमेंट एक और गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, और आपसे फरमाइश यही है कि काइंडली आप बताएं कि आप क्या महसूस करते हैं। ठीक है, इस वक्त जाहिर है आप अपनी
ज़ात के जवाब दे हैं, ये जी मैंने गूगल फॉर्म्स यहाँ शेयर किया, उसका शॉर्ट लिंक ये आप सब तक पहुँच गया। इसे क्लिक करें और बगैर डरे हुए, बगैर किसी, नो ग्रेड्स एट स्टेक, कोई जस्ट ये एक इंट्रैक्शन का मोडस ऑपरेंडी है कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को हम एम्प्लॉय डिप्लॉय करें और देखें कि लोग उसे ऑप्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो आई एम श्योर ये करना चाहिए आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ, आपको अपनी मीटिंग्स में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। लीजिए, दूसरा लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, अब आगे बी मेल। अच्छा माशाल्लाह जी, 5 लोगों ने जवाब दे भी दिया, गुड, ठीक है, 6 बढ़ रहे हैं। कि ये डायनेमिकली यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, बता रहा है कि जी लोग रिस्पॉन्सिव हैं, तो बस ठीक है। ये देखे ना, कोई नाम आया मेरे पास, कोई शेख साबर साहब है, आपका नाम पढ़ा जा रहा है ना, तो अहमद अली साहब है, उन्होंने भी जवाब दिया है। तो एनीवे जी, जिन लोगों के नाम मैं नहीं भी जानता, थैंक यू। यहाँ हम मीनवाइल क्योंकि स्लाइड्स आइडियाज़ हैं, और वो आइडियाज़ इतने अच्छे हैं, इतने मज़ेदार हैं कि मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ इन्हें देखने में। तो ज़ाहिर है मैं बताऊँगा, आगे बढ़ते हैं कि ऑल द टाइम, तो बड़ी अच्छी बात है जी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिफोर यू वी लॉन्च इनटू समथिंग न्यू, वी टेस्ट आर आइडिया टू गेन फीडबैक एंड इंसाइट्स। अगर ऑल द टाइम करते हैं तो बड़ी प्यारी बात है जी, अच्छी बात है। कभी कभी करते हैं, जैसे इकबाल ने कहा था ना, अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। तो कभी कभी करते हैं तब भी ठीक है जी, यू कुड डू बेटर, एक्सपर्ट बता रहे हैं। नेवर, ओ आप करते ही नहीं हैं, जैसे मैंने रात को ड्रामे का वो बात की कि वो रात को ड्रामे में बॉस नाराज़ हो रहा था वो अपनी कोलीग पे कि आप अच्छी बंदी हैं, आपको एक टीम दी है लेकिन आप किसी से बात ही नहीं करती, आप सोलो फ्लाइट कर रही हैं। तो सोलो फ्लाइट करना जी अच्छी बात नहीं है। कोलैबोरेट करना, लोगों के साथ मिलकर चलना, ये अच्छी बात है। देखे ना, इस तरह भी आज ना डॉक्टर नईम अफजाल साहब, यासर साहब, मैंने, और ज़ारा मेजर साहब भी बैकएंड पे हैं मौजूद, तो उनकी आशीर्वाद से, उनकी, हम सबकी कोलैबोरेशन से ये चीज़ हो रही है। तो ये रेड फ्लैग है जी, जो लोग ऐसा करते हैं या आपके जहन में अगर ऐसा ख्याल आता है तो उसे, इस ख्याल को दूर कीजिए। और अगर जी अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ प्रायोरिटाइज करना है, आपने देखना है कि कहा कि राइट सॉल्यूशन क्या है, रिस्क क्या हैं, रिवॉर्ड्स क्या हैं, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आप प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है जी, और एफर्ट कितनी लगेगी, कितना जोर लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, टाइम लगेगा, मनी लगेगी, ठीक है जी, वक्त हमें लगाना पड़ेगा, बंदे लगाने पड़ेंगे। तो ये ज़ाहिर है, ये आप तय करेंगे। अच्छा, एक्सपर्ट्स बताते हैं जी कि कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, ये भी बड़ा मज़े का आइडिया सर, कि हम वो कैसे करेंगे, अलाव हमारा भला करें, हम कैसे तय करेंगे। उसमें उन्होंने कहा जी, क्योंकि चैलेंज ये हो जाता है, चैलेंज क्या, चैलेंज ये हो जाता है कि हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं हमेशा, यानी कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि मैं, हम बात करें कि यहाँ साजिद जावेद या कोई इकबाल जो है ना वो अंडर एस्टिमेट करता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड है या जो भी जदीद दुनिया है वहाँ के बंदे भी ये अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं जल्दी। वो क्या है कि टाइम और एफर्ट कितनी लगेगी। तो इसमें फिर रिसर्चर्स बता रहे हैं कि सॉल्यूशंस को आप यूँ क्वांटिफाई करें। नंबर वन सॉल्यूशंस होते हैं इजी विंस, ठीक है, इजी विंस क्या है कि वो बस जल्दी से हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू इंक्रीमेंटल चेंजेस, ये आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, एकदम नहीं होता, ठीक है, ये वक्त लेते हैं। तो इस पे ज़रा हमें फिर सवाल पैदा होता है कि इतना वक्त है हमारे पास, ओके। तीसरी हमें टाइप आइडेंटिफाई की जा रही है टाइम वेस्टर्स, और यहाँ मुझे लगता है कि हमारी दुनिया में, एशिया में खास तौर पे, और एशिया में हम सबके जवाब दे नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की कौमों की रफ्तार में, उन बंगाली भाइयों का जिनका, जिनके साथ हमने अच्छा सलूक नहीं किया, वो आगे निकल के ज़िंदगी की और दुनिया की दौड़ में, तो बांग्लादेश हो, इंडिया हो, चाइना हो, हमारे गवांडी ईरान हो, सब तरक्की करके, हम लगता है कि हम टाइम वेस्टर्स का शिकार ज़्यादा हैं। और देन कम्स ये बोल्ड मूव्स, वाह ये तो है, कभी कभी होता है ना,
कि आपको ऐसा कोई लेकर आए, जैसे वो उसने कहा था ना, एल्केमिडीज ने कहा था कि आप लीवर का प्रिंसिपल उसने दिया शपीदस ने। तो बात हुई कि आप हलाल में मुझे खड़ा होने के लिए जगह दे दें तो मैं आपको ये ज़मीन ये दुनिया हिला दूंगा। ठीक है जी, यकीनन आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो आगे बढ़ते हैं जी। हम ले जी, फिगर आपके सामने है, चाइनीज सेइंग है, ए पिक्चर इज़ वर्थ 1000 और 10,000 वर्ड्स। तो जब भी आपने प्रायोरिटाइज करना है अपने पोटेंशियल सॉल्यूशंस को, तो यूँ करना है कि बोल्ड मूव्स। ठीक है जी, अब ये क्वाड्रेंट चार्ट ड्रॉ कर लिए, एक तरफ एफर्ट है लो एफर्ट हाई एफर्ट, एक तरफ इम्पैक्ट है हाई इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ ये बोल्ड मूव्स हैं, इनका एफर्ट भी हाई लगेगी, बड़ा जोर लगेगा, लेकिन इम्पैक्ट भी बड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ ये हैं कि एफर्ट तो लो लगे है, लेकिन यह कि वो जिसे कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं कम हर्च बाला नशीन, तो यहाँ इजी वेन्स हैं। ये सर हमें आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी चीज़ें इजी वेन्स हैं, कौन सी टाइम वेस्टर्स हैं। तो टाइम वेस्टर से आप भी बचें जहाँ भी आप मौजूद हैं, टाइम वेस्टर से आप भी बचें, और अल्लाह भला करें हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी टाइम वेस्टर से बचें, और जो है कम से कम इंक्रीमेंटल चेंजेस तो करें ना, और कुछ नहीं करते ज़िंदगी में, इजी विंस करें, इंक्रीमेंटल चेंजेस तो करें। और चले नहीं बोल्ड मूव्स हो पाती, कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह की ज़ात हमें तौफीक दे। अच्छा आगे सर ये देखते हैं, लेकिन फिर डेटा और उससे हम एक ले लेते हैं रेफरेंस। ये जो डॉक्टर साहब हम पे हमारे तरफ हंसते हुए देख रहे हैं, ये हैं जी डॉक्टर अतुल गवांडे। इन्होंने इजी विन की जी, इन्होंने ये किताब लिखी, अल्लाह इनका भला करे, इनकी किताब भी बहुत मशहूर हुई और इनकी ये स्ट्रेटजी भी टेक्निक भी मशहूर हुई। और इसे मज़े की बात यह है कि ये डॉक्टर हैं लेकिन इन्होंने वो एयरलाइन पायलट से ये आइडिया लिया। वो जो शुरू में हमने कहा था ना बोरोड इंस्पिरेशन वाली बात की थी, तो इन्होंने इंस्पिरेशन बोरो की जी डॉक्टर अतुल गवांडे ने। अच्छा कोई को ले कह रहा है स्लाइड चेंज नहीं हो रही। अच्छा मैं सर स्लाइड चेंज हो रही है सर किसी कोलीग ने। अच्छा एक मिनट, थैंक यू जी। वो मैंने कहा ना ये बड़ा ज़रूर, बस सर हमारी तो सर लगता है ज़िंदगी एक जगह खड़ी है, और हम दुआ करें कि अल्लाह हमारे और हम सब के वक्त में और कामों में वक्त डाले। लीजिए मैं अब यहाँ चेंज कर रहा हूँ, इसे मैंने वो उसका स्लाइड मोड चेंज किया है। लीजिए डॉक्टर साहब नज़र आ रहे हैं हंसते हुए, डॉक्टर अतुल गुवांडे। हाँ ये डॉक्टर साहब जी अलग का भला करें, इन्होंने इंस्पिरेशन ली एयरलाइन इंडस्ट्री से जी, के एयरलाइन में जो वो चेकलिस्ट यूज़ करते हैं, इन्होंने कहा अमेरिकन हॉस्पिटल्स में जहाँ भी ये काम करते हैं, अगर ये अमेरिका शरीफ में होते हैं तो वहाँ इन्होंने वो यूज़ की, और इन्होंने ये चेकलिस्ट अडॉप्ट करने से उनके हॉस्पिटल्स में, वो जो अक्सर अगर आप ऑन लाइटर नोट आप में हम खबरें सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, और खासकर हम सारे मेरे वतन की खबरें आती हैं कि फलाने शहर में डॉक्टर साहब तौलिया मरीजा के अंदर रख के भूल गए या कैंची भूल गए, वो बाद में किसी और अस्पताल डॉक्टर वो मरीजा गई तो उसने तकलीफ का शिकायत कर रही थी, तो उन्होंने एक्सरे किया पता लगा अंदर डॉक्टर साहब ने औजार भूल गए हैं। तो वो औजार भूलने वाला मसला नहीं हुआ कि 30% ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई थी, कि जो मेजर सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थी दे वर एबल टू रिड्यूस देम बाय 30%। तो सिर्फ एक एक आइडिया आपने इंस्पिरेशन ली कहीं से, उसे अपने दफ्तर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप ले आए, तो आप भी सर जहाँ भी मियाँ चन्नों में मौजूद हैं, यहाँ लाहौर में ही हैं, जहाँ भी हैं, ये सच्चे खब्बे भाई साहब आपने देखना है। रिसर्चर्स की सिर्फ जिम्मेदारी इतनी है कि वो आपको आपके साथ वो शेयर करें स्ट्रेटजीज। ओके जी, स्पॉटलाइट योर अजम्पशंस बिफोर जंपिंग टू एक्शन। वक्त स्पेंड करना है अपने अजम्पशंस को देखने में, हमारी अजम्पशंस हमारे बिलीव्स होते हैं और वो हमें पता भी नहीं होता। अजब अजब बात ये है कि हम अपने अजम्पशंस को ही पूरा पूरा सच समझते हैं, जो जो कुछ मुझे पता है सिर्फ वही पूरा सच है। ठीक है जी, राव आसफ साहब वो बता रहे हैं कि साइट चल रही हैं। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह।
थैंक यू सर। तो स्पॉटलाइट जो रिजम्पशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है, साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, रिजम्पशंस होती क्या है जी कि ये करेगा कौन, ठीक है जी, ये जो हम जो भी स्ट्रेटजी लाने वाले हैं करेगा कौन, इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, वही रिसोर्सेज वाली बातें। और तीन बातें हमें बताई जा रही हैं कि ये जरूर जरूर याद रखनी चाहिए। वो ये है कि ये अक्सर हमें हमें वाजे नहीं होती, हिडन होती हैं, और अक्सर हमारी अजम्पशंस वो सच भी नहीं होती। और फिर अहम बात यह है कि एक ही डिपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की अजम्पशंस डिफरेंट होती हैं, सेम वो अज्यूम नहीं कर रहे होते, तो कन्फ्लिक्टिंग अजम्पशंस होती हैं। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर रियलाइज करनी चाहिए। आगे चलते हैं सर, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट वाली प्रॉब्लम, उसमें वो ज़ाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला सोल्यूशन सही है, कुछ हमेशा कहेंगे कि ये सोल्यूशन नहीं ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन ज़रूर है कि हम अपनी अजम्पशंस को जानने के, हमारी अजम्पशंस हैं क्या, किन अजम्पशंस में हम ज़िंदगी कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। अच्छा, टे का मोमेंट फिर आ गया। नेक्स्ट ही फ्रेम योर हाइपोथेसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। आप में से जो लोग MS कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, या कोई रिसर्च आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा रेलिवेंट होएगा फ्रेम योर हाइपोथेसिस, कि उसमें क्या है कि अपने अजम्पशंस को चेक करने के लिए अपना हाइपोथेसिस डेवलप करें, ठीक है। इनोवेशन करने से के लिए पहले ये ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट को कह गया है कि टेस्टेबल आइडिया इज़ बेटर देन ए गुड आइडिया। वो हम सबको आइडियाज़ आते हैं, बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ हमारे पास होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हम उन आइडियाज़ को क्योंकि अमल में नहीं ला पाते, वो काबिल अमल नहीं होते, या तो वो ज़्यादा दिमागों में ही मारे रह जाते हैं। तो हाइपोथेसिस के बारे में जी एक अच्छी स्लाइड है, वो कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो है कि जिस जिसमें हम चीज़ों को टेस्ट कर सकें, ठीक है जी। वो हमें ये चांस देता है हाइपोथेसिस कि हम अपनी अजम्पशंस को देखें कि वो प्रूव होती है या डिसप्रूव होती है, और जो है क्या यहाँ से कुछ हमें लर्निंग होगी, और क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कितनी क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी, या हम इन्वेस्टमेंट करें तो क्या रिटर्न मिलेगा हमें। तो ये वो सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कि अगर हम अपना हाइपोथेसिस फ्रेम करें। अच्छा, अब कैसे करें, वो इस स्लाइड में जो उसका जवाब दिया जा रहा है कि दिस इज़ अ गुड वे टू फ्रेम हाइपोथेसिस। जी ये कुलिया एक फार्मूला एक्सपर्ट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि वी बिलीव दैट दिस सोल्यूशन कोट अनकोट विल अनेबल दिस पर्सन और ग्रुप, ठीक है, वो दोबारा कोटेशंस में है, टू अकम्प्लिश दिस गोल, विल नो दिस ट्रू व्हेन दिस हैपन्स, ठीक है। ये वाला जो सोल्यूशन है वो हमारे इन लोगों को ये गोल अकम्प्लिश करने में मदद देगा, और हम फिर ये हम पे साबित होगा कि ये चीज़ सच्चाई है। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाहिर है फिर हमारी हमारा हमारी अजम्पशंस गलत थी। तो ये नीचे उसकी एग्जांपल भी दी गई है, किसी तरह आपने वो फ्रेम करना है। और बिजली शायद आ गई है, हाँ जी बिजली आ गई है, ओके। तो इसमें यही है जी कि ले सर, ये सही सेक्शन का मैं वो शेयर कर रहा था टेक अवे, कि ये हमारे जो हैं वो आइडियाज हैं जो हमने प्रीवियसली हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। और यहाँ मैं ज़ाहिर है अपनी सारी ऑडियंस के साथ एक और एक्टिविटी, ये अक्सर आप ज़ाहिर है मैं चाहूँगा जो भी जवाब देना चाहे वो बोल ले। सवाल पहले मेरा गौर से सुनिएगा। हमारे एक उस्ताद वो कहते होते थे, जैसे मैंने आज शुरू में भी कहा कि सवालात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा हौसला हमें पैदा करना है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं आज से कि हमें सवाल सुनने हैं, जो हम प्रीवियसली सवालों को रिजेक्ट कर देते थे या कंधे उछका के बात करते थे, अहमियत नहीं देते थे, वो हम शायद गलत करते रहे। अब हमें ज़रूर है आज के उस्ताद को इसका ज़रा मुहातिब अव्वल मैं खुद हूँ, और उसके बाद आज के हर बॉस को, हर सीनियर को जो भी 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, उसके लिए ज़रूरी है कि वो बात को गौर से ज़रूर सुने। जो हमने पहले से ही जवाब बना रखे होते हैं, सोच रखे होते हैं, उनसे हम एतराज़ करें। ओके जी, ये स्लाइड किधर गई मेरी स्लाइड,
ये सर मैं चाहूँगा। ओके जी सर, सामने आपके शेयर है जी। एक सर, हम इनोवेशन इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें सर सवाल ये है, तमाम जितने मेरे इस वक्त अहबाब सुन रहे हैं मुझे, या ये इस वक्त स्लाइड देख रहे हैं जो मेरे सामने स्क्रीन पर है, कि आपने सर एक स्ट्रेट लाइन ऐड करनी है टू मेक इट अ करेक्ट स्टेटमेंट। एक मूव की आपको इजाजत है, वो आप कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ना वो सही हो जाए, ये स्टेटमेंट। तो आप में से जो भी कोई हल बताना चाहता हो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। एक मिनट है, अच्छा स्क्रीन पे तो है नहीं, एक मिनट। ओ यप, अच्छा ये करना पड़ता है ना। हाँ ठीक हो गया, थैंक यू सर। वो सर मैं असल में आप देखें सर, सर ये आ रहा है जी ब्रेन टीजर आपके सामने ना, आप शेयर्ड है। ले सर दोबारा, वो जाहिर है पहले मैंने बात की है जी, कि सर ये बताएं कि एक आपने लाइन स्ट्रेट लाइन ऐड करनी है सर, कि ये एक को जो है ना इक्वेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए। तो आप सबों से यही फरमाइश है कि सिर्फ एक सलूशन मुझे बताएं, आपके पास एक ही चांस है, दूसरा चांस कोई नहीं। कि ये कैसे आप इसको हम जब इनोवेशन इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, आज हमने क्रिएटिविटी की बात की, इनोवेशन की बात की, तो अल्लाह ताला भला करे कि हम कैसे इनोवेटिव और क्रिएटिव हो सकते हैं। हम अपने बच्चों को कहते रहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, अपने कोलीग से हम बड़ा कहते रहते हैं कि आपको क्यूरियस होना चाहिए, आपको क्रिएटिव होना चाहिए। तो इसके बस ये कि एक से ज्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो जी आसर साहब, जी सर, सबसे पहले जो है मोहम्मद अशहद रजा साहब, और उसके अलावा हैं जी कुछ शोर कोर्ट में हमारे हैं वीटीआई में कॉलीग, उन्होंने अभी तक जवाब दिया है। और वही मैं देख रहा था सुबह, आगे जो पहले मुझे चैट बॉक्स में जवाब मिले हैं वो मिले थे 28। देखना मेरे सामने तो गूगल फॉर्म्स खुले पड़े हैं। मैं दोबारा इस आई जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू लुक इन टू दोज 32 हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले 28 थे थोड़ी देर पहले पहले, तो 32 लोग थे कोलिग्स, इन्होंने पहले गूगल फॉर्म को से इंटरेक्ट किया और ज़रा हमारी भी इज्जत अफजाई की। दूसरा फॉर्म पे अभी तक सिर्फ 22 लोगों ने उसको खोल कर देखा है, सिर्फ चेक बॉक्स करना था, चेक इन करना था आपने के आपका क्या ख्याल है। हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि जब हम रिसर्च की बातें कर रहे हैं, डेटा की बातें कर रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कह रही है, और थैंक यू सर, ये सर लोधरा से हमारे एक कॉलीग हैं, थैंक यू सर, इन्होंने भी शेयर किया है। तो ठहरे एक मिनट, नहीं जी और भी कोई कॉलीग हैं उन्होंने भी, ठीक है जी। मैं यही यहाँ पे देखना चाहता, इस वक्त चैट बॉक्स भी मैजर है, हम देख रहे हैं कि अच्छा। नहीं जी दोबारा शायर है, मैंने वो स्लाइड तो वही आपसे शेयर कर रखी है, वो आपके सामने है, नजर आ रही है। तो इसमें सर ज़रा यही है, इसको हाईलाइट करना पर्पस है कि एक ऑब्वियस सोल्यूशन है जिसे हम कह रहे हैं ना गो बियॉन्ड द ऑब्वियस, हमने काफ़ी देर उस पर बात की और दोनों स्ट्रेटेजीज की बात की हमने,
कि मल्टीप्लाई योर प्रॉब्लम्स, रीडिफाइन करें। तो एक तो ये कॉलीग्स ने जो आइडेंटिफाई किया, थैंक यू, कि सर आप इसमें हम एक लाइन ऐड कर लें, इसे नॉट इक्वल टू बना लें, और जाहिर है वो ये इक्वेशन एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। और दूसरा जो इसका सोल्यूशन ज़ाहिर है इज अवेलेबल कॉमनली, कि आप एक लाइन ऐड करें, ये जो प्लस का साइन है ना जी, इसे 4 बना लें, तो 545 प्लस 5 इक्वल्स 550। तो बिल्कुल जी, ये स्टेटमेंट तब भी ट्रू है। तो बस सर यही देखना था हमने, यहाँ पर इस चीज़ को ही हाईलाइट करना था कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तभी हम अपनी जिंदगियाँ कर रहे हैं। और ये भी अल्लाह अल्लाह पाक की हम पे बड़ी अनायत है, उसकी करम नवाजी है कि चीज़ें हम कर रहे हैं। डिज़ाइन इनोवेशन एक्सपेरिमेंट से जी, ये ज़ाहिर है मैं इस चीज़ को इस वक्त यहाँ पे वक्त को मद्देनज़र रखते हुए स्किप कर रहा हूँ, ये स्लाइड ऑर्डर मैंने देखा, और मैं आगे यहाँ से जंप कर रहा हूँ नेक्स्ट सेक्शन में, कि इस पे जो की आइडियाज़ हैं वो हम देख सकें कि बिल्ड सपोर्ट फॉर इनोवेशन जी। इनोवेशन वैक्यूम में नहीं होती, जिस तरह अभी हम बातें कर रहे हैं, तो ये कोई मैं ये नहीं हो रहा कि मैं अकेला सिर्फ अपने आप को सुना कर खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इनोवेशन क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ, जो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में और अपने घरों में करनी चाहिए, तो हम सबको करनी चाहिए। तो ये सारे अकेले करने वाला काम नहीं है, ये मिलकर करने वाला काम है। यही मैसेज यहाँ पर भी दिया जा रहा है कि वन कैन नॉट डू इट अलोन, हमें लोगों की हेल्प चाहिए, हम लोगों के साथ मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ज़ाहिर है दोबारा ड्रॉ की जा रही है, टोयोटा का इनोवेशन फेयर, आप लोगों ने यकीनन नाम सुना होगा, और ज़ाहिर है आप लोगों को भी करना चाहिए। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का भी कोई इनोवेशन फेयर होना चाहिए कि यहाँ लाहौर में एक्सपो सेंटर में हम गए कि ये PVTC के बच्चों की इनोवेशन है, या इनके ज़ाहिर है आपकी भी तो पता नहीं कितनी वर्क फोर्स होगी, मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा है कि पंजाब के जिस शहर में भी जाओ आपका यकीनन टैप्टा की तरह फुटप्रिंट मौजूद है। तो इनोवेशन ज़रा तभी होगी कि आप पहले तो खुद पे यकीन करेंगे, अपने आप को कन्विंस करेंगे, और उसके बाद अपनी टीम को करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को करेंगे। तो उसमें ज़रा टीम में क्या कौन आते हैं, डिसीजन मेकर्स, कि हम अपने बॉसेस के साथ बात करें, अपने जो कोलैबोरेटर्स पार्टनर्स हैं उनसे बात करें, जो लोग हमारे आइडिया से ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं, चैम्पियंस हैं, फिर जो यूज़र्स हैं उनसे बात करें। तो इन तमाम ये जितने जो भी इन कैटेगरीज में लोग आते हैं, हम उनसे बात करें। और इसमें सारे फिर एक और एग्जांपल दी जा रही है DHL के भी, कि बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, इन्होंने अपना सिंगापुर में, जर्मनी में इनोवेशन सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ वो अपने कस्टमर्स को लाते हैं और उन्हें अपने आइडियाज दिखाते हैं। फिर एक और एग्जांपल है, जिस एग्जांपल को जा रहा है वो यूं ही उसी से लगा खाती है। एक ही अप्रोच आपकी हर जगह नहीं चलेगी, ठीक है, प्लान बिफोर यू पिच, और इसमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हर जगह नहीं चलती। आपने देखना है कि अगले बंदे की क्या ख्वाहिश है, व्हाट इज इन ऑन इट्स हर और हिज रेडार, आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो इधर ये प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के पैराडाइम में भी ये बातें ट्रू है, और यहाँ भी उसी तरह अप्लीकेबल है। आपने अपनी पिच जब भी करनी है तो आपने जो है अपने सामने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि उनकी क्या नीड्स हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इधर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कोटेशंस, उनकी सजेशंस टू बाय गेट बाय इन, यू हैव टू मेक द टाइम, ये चीज़ें हमें बताती हैं कि कैसे आपने करना है, आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बेनिफिट पहुँचाना है। तो इसके लिए ज़ाहिर है लोगों से बात करना ज़रूरी है, लोगों को सुनना ज़रूरी है, डिग आउट करना ज़रूरी है, आज जानना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। और यही वहाँ पर हर बंदा यही चाहता है, हम कहीं भी मौजूद हों
कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई किया जाए, हमारे लोग सेटिस्फाइड हो, तो ये कोशिश करना हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें सारे लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें आपका फ़ायदा है, ये काम करेंगे तो ये आपको फ़ायदा होगा। लोगों को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह लिंक्डइन, लिंक्डइन का भी फिर वही बातें जी, मुझे जो हमें अवेलेबल हैं कि DHL वाले करते हैं, टोयोटा वाले करते हैं, लिंक्डइन वाले करते हैं, तो ये अच्छी बातें हमें यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ पंजाब में करनी है कि लिंक्डइन वाले भी हर क्वार्टर में अपने एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करते हैं कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ पिच करें। और ये उसी डोमेन में हम देख रहे हैं जी, कम्युनिकेट डोमेन में के ही पैराडाइम में, कि हमें लोगों को लेक्चर नहीं करना है, ठीक है, हमें लोगों को जो है वो अपने साथ में लाना है, उनके इमोशंस को, उनकी ज़ात को टच करना है ऑन अ ह्यूमन लेवल, ताकि वो इन्फ्लुएंस हों और वो हमारी बात तवज्जो से सुने भी और फिर कुछ अमल में भी लाएं। अच्छा, इसी तरह क्योंकि ये जो रिसर्चर्स बता रहे हैं, पॉल जैक बता रहे हैं कि ये जो केमिकल रिलीज होता है जब भी आप अच्छे तरीके से बात करते हैं किसी के साथ, वेल स्ट्रक्चर्ड स्टोरी किसी के साथ शेयर करते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोग आपकी बात को तवज्जो से सुनते हैं। और ये कोई केमिकल रिलीज होता है जी, ऑक्सीटोसिन, और इसका भी 30 सेकेंड्स टेक अवे यही है कि आप इनोवेट अकेले नहीं कर सकते, आपको हमें लोगों को साथ में लाना है और हर बंदे की ज़रूरतों का ख्याल करना ज़रूरी है, उसके लिए क्या चीज़ अहम है ये जानना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। और अपनी जो भी हमने पिच करनी है वो जैसा वो हमें बंदा डिफरेंट नज़र आए उसके मुताबिक, उसकी ज़रूरतों के मुताबिक अपने आइडिया को पिच करना है। जी साथ में चैट बॉक्स को भी देख लो इधर। अच्छा, वो कुछ और सोल्यूशंस भी ऑप्ट किए गए थे लेकिन हमने जो दो वायबल थे वो उनकी बात की। ओके जी, लास्ट सेक्शन है जी, लर्न फ्रॉम सक्सेस एंड फेलियर, तो ये आखिरी सेक्शन है जी कि हमें देखना है कि इनोवेट बेटर, कि ज़रूरी नहीं कि हर हमारी जो इनोवेशन होएगी, हमारी हर एफर्ट कामयाब हो जाएगी। अल्लाह की ज़ात ने हमसे ये सवाल नहीं करना, हमसे हमारे वक्त का सवाल हम होना है। हमें जो वक्त दिया गया, जो वसाइल दिए गए, तो ये नतीजा क्या निकलेगा वो लाजिम नहीं है कि हर दफ़ा कामयाबी होगी, हर हमारी इनोवेशन कामयाब होगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि लर्निंग को अपनी हैबिट बनाया जाए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए तो ज़ाहिर है ऑलरेडी पैगाम है कि हमारा हर आने वाला दिन मुसलमान का उसके गुज़श्ता दिन से अरे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड कर दिया कि हमारा हर आने वाला दिन गुज़श्ता दिन से बेहतर होना चाहिए। तो ये लर्निंग है जो इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस तब इनोवेट करती हैं जब लर्निंग का कल्चर हो, लर्निंग की हैबिट हो। बदकिस्मती से ना लर्निंग का कल्चर हमारे घरों में है, ना ही वो हमें अपने तालीमी इदारों में नज़र आता है, ना ही दफ्तरों में नज़र आता है, हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जिसे कहते हैं कि हम ज़रा अगर इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम सेंसिटाइज हो रहे हैं, ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, इससे हम अपने आप को ज़्यादा देर ना इदारे इम्यून रख सकेंगे और ना ही हम इंडिविजुअल्स। अच्छा, तो यही सारे यही ये चीज़ें हैं डेटा साइंस में, यही बता रही है कि अगर हम पीपल हु बिलीव इंटेलिजेंस कैन ग्रो दे रेफर टेंड टू सी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग देन पीपल्स हु बिलीव इंटेलिजेंस इज फिक्स। ये सारे आइडियाज ऑलरेडी फेमिलियर हैं, हमें पता है, लेकिन वो हमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं दोबारा उस चीज़ को कि US आर्मी भी यही करती है। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी जब भी कोई एंगेजमेंट करती है उसके बाद वो ये सवाल करते हैं, तो ये सवाल क्या बताते हैं कि कंटिन्यूस लर्निंग होए, कम्युनिकेशन हो और ट्रस्ट डेवलप हो और इनोवेशन हो। ये अगली स्लाइड में भी यही है कि शेल ऑयल वालों ने ये US आर्मी से जो आफ्टर एक्शन रिव्यू अप्रोच वाला आइडिया है ये उन्होंने वहाँ से ऑप्ट किया, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी से। तो जाहिर है सर जैसे कहा गया हमें, हमें हुक्म है कि इल्म जो है वो मोमिन की गुमशुदा मीरास है, तो ये हमें सर वहाँ से हमें भी ये ऑप्ट करना चाहिए। और कुछ एग्जांपल्स और शेयर की जा रही हैं कि प्रेट एंड विनी
बड़ी मशहूर कंपनी है जी, बड़े अच्छे इंजन बनाती है ये। और ये इन्होंने भी ये अप्रोच ऑप्ट की, फिर किसने की जी ये, और IBM बड़ी मशहूर कंपनी है, ये एक और कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने भी ऑप्ट की। तो ये स्ट्रेटजीज वो ऑप्ट कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए सिमिलरली। अच्छा, क्यों कि अगर वो 15 मिनट भी अगर आप ये करेंगे रिफ्लेक्शन, तो अगर आप 10 दिन तक करते हैं तो 23% ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उस कंट्रोल ग्रुप के, जिस पर जो लोग बिल्कुल इस चीज पे बिलीव नहीं कर रहे। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें डेटा बता रहा है, रिसर्च बता रही है कि कीप द फोकस ऑन लर्निंग, ये फोकस होना चाहिए। लुक एट द होल पिक्चर, इंपॉर्टेंट आइडिया है। गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स, 5 व्हाइज, बड़ी अच्छी अप्रोच है, टोयोटा भी यूज करती है। थिंक अबाउट इम्प्रूवमेंट, तो 5 व्हाइज जो टूल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि आप 5 दफा ये सवाल ये करें, अपने आप से करें, अपने दफ्तर में करें, तो ये चीजें ज़रा ये ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। और इसमें भी यहाँ पर ये मेरे का कनेक्शन है, लेकिन ज़रा यहाँ मैं अब आपसे क्वेश्चन नहीं करता, ये भी मेरे पास गूगल फॉर्म्स में यही सवाल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। कि देखना यही है कि आप रेगुलरली करते हैं क्वेश्चन अपने टीम के साथ, ओकेजनली करते हैं, एंड पे जाकर करते हैं, ये करते ही नहीं, आप बात करने पसंद नहीं करते। तो ये जाहिर है, डोंट लेट द ब्लाइंडर्स गेट इन द वे। ब्लाइंडर्स हैं जी, हमारी अपनी कुदरत ने रखे हैं, हमारे अपने बायसेस होते हैं, और उसमें सबसे जो मुश्किल तरीन बायस है वो कॉन्फर्मेशन बायस है। और गूगल जो है वो कॉन्फर्मेशन बायस की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। तो कॉन्फर्मेशन बायस से बचना है। वारन बूफे भी कह रहा है कि मैं कॉन्फर्मेशन बायस से कैसे बचता हूँ। वो ऐसे बचता है कि वो लोगों से पूछता है, अपने जो क्रिटिक्स हैं उनसे वो राय लेता है कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है सही की है गलत की है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों से रबते में रहें और अपने कॉन्फर्मेशन बायस को चैलेंज करें। आगे बढ़ते हैं सर, कॉन्फर्मेशन बायस के ही जिमन में बात हो रही है। डोंट लेट द ब्लाइंडर्स गेट इन द वे, अज्यूम योर इनोवेशन इज नॉट गोइंग टू सक्सीड। आपने कॉन्फर्मेशन बायस को चैलेंज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप यूं करें, लुक आउट फॉर द लोडेड क्वेश्चंस, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ सेइंग डू यू थिंक एक्स इज अ गुड आइडिया फॉर ए प्रोडक्ट, आस्क पोटेंशियल कस्टमर्स टू रैंक प्रोडक्ट फीचर्स टू डिस्कवर व्हिच दे प्रेफर। तो ये जाहिर है दूसरी अच्छी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। अवॉइड पिकिंग ओनली रिस्पॉन्सिस यू लाइक, सिर्फ जो लोग आपकी हाँ में लाई जाते हैं ना। दफ्तरों का ये मसला भी हो जाता है कि हम हवा का रुख देख कर अपनी बॉस की हाँ में हाँ मिलाने के जरा आदी हो जाते हैं। तो वो वक्ती तौर पे उससे शायद इंडिविजुअल को तो सुकून रहेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं होता। तो ये जो है, अवॉइड पिकिंग ओनली रिस्पॉन्सिस यू लाइक, सिर्फ उन लोगों से बात करें जिनकी बूथियाँ हमें पसंद है। ये बड़ा चैलेंज है जी, कि जिन लोगों की बूथियाँ हमें पसंद है सिर्फ हम उनसे बात ना करें, उन लोगों से बात भी करें जिनकी बूथियाँ हमें जरा कम पसंद है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करे, ग्रो करे। तो डिग इनटू सक्सेसेस एंड फेलियर्स, सिर्फ कामयाबियों पे खुश ना हुआ जाए और नाकाम हो जाने पर दुखी ना हुआ जाए, बल्कि दोनों से लर्निंग हासिल की जाए, ये इम्पोर्टेंट है। ये असल में टेक होम मैसेज है। और यहाँ पर फिर डेटा से एक्सर्ट लिया जा रहा है, ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो अपने सेट बैक से सीखते हैं, ठीक है जी। उन्हें वहाँ से मोटिवेशन हासिल होती है कि उन्हें कोई बड़ा लॉस हो गया, कोई इंजरी हो गई, वो मैच बड़ा इम्पोर्टेंट कोई हार गए तो उससे उन्हें। और यहाँ पर भी एक और पोल इन्वॉल्व है, ये सारे एक गूगल फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, और पोली भी, ये एप्स बेशुमार एप्स आर देयर। तो यू कैन आल्सो लर्न ए लॉट बाय डाइविंग इनटू योर सक्सेसेस। जैसे पिछली स्लाइड में भी हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नाकामियों से सबक सीखने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी कामयाबी से भी हमें सीखना चाहिए कि क्या सही उस दिन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हम वो आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाए। और ये जो नेटफ्लिक्स है, बड़ा मशहूर ब्रांड है, उन्होंने भी यही कहा, वो एक्सर्ट लिया जा रहा है कि वी हैव टू मेक मोर टेक मोर रिस्क टू ट्राई मोर क्रेजी थिंग्स, वी शुड हैव ए हायर कैंसल रेट ओवरऑल। तो ये स्ट्रेटजी जरा वो लोग ऑप्ट कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए। तो टॉप 5 थिंग्स जो आप क्या करना चाहिए, दोबारा करना चाहेंगे, कौन सी 5 चीज गलतियां हैं जो आप दोबारा नहीं करना चाहेंगे।
ये अच्छा सवाल है, ये सारे आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैसेज ये है कि इनोवेशन आज के दौर में, चाहे वो सरकारी इदारे हैं, शायद सरकारी इदारों में इनोवेशन की कम ज़रूरत होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी जितने भी इदारे हैं वहाँ ज़रूरत ज़रूर है। तो इनोवेशन जो है ना वो कंटिन्यूस लूपिंग जर्नी का हिस्सा है जी, ये कंटिन्यूस इवॉल्वमेंट है, ग्रोथ है, एवोल्यूशन है, इंडिविजुअल की भी, मेरी भी, आपकी भी, कि हमें महसूस हो कि हम अपने घरों में बात कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से ये बात कर रहे हैं। एक्नॉलेज दैट इट इज़ हार्ड वर्क, नहीं जाते जाते पैगाम ये है कि औखा काम है। जैसे कितने सेइंग इज वन थिंग डूइंग इज अनदर, यहाँ इस वक्त अपने सोफे पे बैठ के एयर कंडीशनर चला कर और है जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन धूप में बाहर जाके पसीना बहाना औखा काम है। और ये हमारा बड़ा चैलेंज है आज के दौर के इंसान का, चाहे वो कहीं भी मौजूद है। वो चैलेंज को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो वो यही हो है हमारे लिए कि सर्दियों में हमें सर्दी बड़ी लगती है। मैं पंजाबी हूँ जी तो चला चले पंजाबी में अच्छा रहेगा, सर्दियों सानू सर्दी बड़ी लगती है, गर्मियों सानू गर्मी बड़ी लगती है। तो जो अच्छा मौसम होता है असं कहने अज पकौड़े बना लो, हलवा पकाओ, अच्छे असं काम नहीं करना। तो ये जो है ना जी, धूप में जाना, बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करना, अपने आप को मुश्किल में डालना, ये एसी से निकलना वाली औखा काम है। कंटिन्यू टू स्ट्रेच योर थिंकिंग, अपने आप को चैलेंज करें, ठीक है जी। लीनियर थिंकिंग हमें कहीं आगे भी उसने पहुंचाया नहीं, आगे भी नहीं पहुंचाएगी। स्ट्रेंथन योर कनेक्शंस, ठीक है जी। इनोवेशन के लिए ज़रूरी है अपनी टीम में अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बात करें, इर्द गिर्द के लोगों से भी बात करें। और फिर बहुत अहम बात है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठीक है जी। अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, क्रिएटिव होना चाहते हैं, तो ज़रा पहले आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए और फिर आपको ये बातें ज़रा अच्छी लगेंगी, सुनने में भी अच्छी लगेंगी, और फिर आपका दिल करेगा कि आप बाहर दफ्तर से बाहर निकल के धूप में खड़े होकर अमल में भी लाएं। तो यही इसका 30 seconds टेक अवे है कि लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग रिफ्लेक्शन के बगैर नहीं आती। अपने कन्फर्मेशन बायस से बचें, हर तरह के बायस से बचें, लेकिन जो कन्फर्मेशन बायस होता है ये इंडिविजुअल की सेहत के लिए भी चंगा नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी जो फेलियर है ना, वो फेलियर थ्रू लर्न है, ठीक है जी। कुछ ना सीखना ये सबसे बड़ी नाकामी है। और आखिरी जो मैसेज लास्ट स्लाइड में हमने दिया कि इनोवेशन करने के लिए और क्रिएटिव होने के लिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ चैलेंज करें, हम इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को वैल्यू करें, इंडिविजुअल भी अपने दफ्तर में, अपने इदारे में जहाँ मौजूद हैं, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन में, अपने घरों में भी। तो ये लास्ट में सर मेरे रेफरेंसेस थे जो मैंने यहाँ इस साइड में वक्तन वक्तन आपसे शेयर मैं करता रहा हूँ। तो यहाँ मैंने आई हैव कंप्लीटेड माय स्पील। लेकिन सर जब बिजली आती जाती है ना, वो स्विचिंग होती है, वो थोड़ी देर के लिए रिकनेक्टिंग पे पता नहीं चला जाता है सर। मेरा एक रात को लैपटॉप मेरा जवाब दे गया, ये दूसरा मैंने फिर निकाला, ये भी स्लो सही है मेरी तरह। तो ये सर बार जी, ज़रूर आसिफ सर, मैं सारे सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन वो ज़ाहिर है यही मौका है जी। आसिफ साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, कि हम ज़ाहिर है कहीं भी मौजूद हों, हम वो चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन हमें बड़ा चैलेंज तो यही लगता है कि बाज़ बात लगता है कि ये काम करते करते पता नहीं ज़िंदगियाँ गुजर जाएंगी, और इतना हमारे पास ना इंतज़ार हो पाता है ना। और दूसरा चैलेंज जो इसकी तरफ आसिफ साहब ने इशारा किया, वो रेजिस्टेंस है, कि हमें लगता है कि जो लोग हैं वो नया सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, वो नया जो भी उन्होंने हमने हार्डवेयर दिया है उस हार्डवेयर को वो यूज़ करने पे उतने कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे। तो ये ज़ाहिर है सर, ये ह्यूमन नेचर है। जहाँ भी हम ये बात करेंगे, मैंने इसलिए कहा कि बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन अमल में लाने में ज़रा वो पता लगता है कि इसे क्या कहते हैं, दांतों को पसीना आता है। तो इसके लिए ज़रूर है कि जिस तरह वो रिसर्चर्स ने भी बताया कि कुछ इजी विंस होती हैं, कुछ बोल्ड मूव्स होती हैं,
तो सारे एज अ कोलीग हमें इजी विंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो फॉरन हो जाए और लोगों को नजर आए, उससे हमें सबसे पहले हमें खुद मोटिवेशन मिलेगी, हम खुद शुक्र अदा कर सकेंगे, या अल्लाह आपका करम है, ये न्यूटन की तरह है जी, मेरे सिर पे भी सेब गिरा, ये आइडिया मुझे मिला और इस आइडिया को मैंने इम्प्लीमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रिजिस्ट भी नहीं किया और वो ऐसा ऐसा सरायत कर गया, सब ने अडॉप्ट कर लिया, तो खुद मोटिवेशन होगी। जब ये हम कर पाएंगे तो फिर हम जाएंगे इंक्रीमेंटल चेंजेस की तरफ, जिसका हमें पता है कि ये काम 6 महीने साल से पहले कोई नहीं होना, इसके लिए हमें वो क्या कहना है, लेट इट गो करने वाली बात होगी, कि ये कागज की हम कश्ती बनाएंगे, पानी में डाल देंगे और फिर रब से दुआ करेंगे, अल्लाह मियाँ जी कि ये काम अब हो जाए, ये जितने मेरे लोग हैं इन्हें हमने वो क्या कहना चाहिए, बताया, समझाया, रिक्वेस्ट भी की कि आपने ये काम करना है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये उस चीज़ को करें। लेकिन तीसरी बात जो जिस तरह आपने भी इशारा किया है कि अगर रेजिस्टेंस आ रही है तो फिर बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, एज अ सीनियर, एज अ बॉस, एज अ घर का बड़ा होना, कि आप घर में बड़े हैं, आप कोई बात करते हैं, लोग आपकी बात को इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, वो अमल में नहीं आ रही, तो फिर ये सारे वो अपनी, जैसे मैंने कहा, बल्कि मैंने क्या कहा, मुझ ना चीज ने क्या कहना है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उसको देखना है कि हमारा जो कॉन्फर्मेशन बायस है, या कहा हमारे बायसेस ही तो नहीं मसला कि लोगों में इसके तरफ से इतनी रेजिस्टेंस आ रही है, लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे, लोग पुराने ही तरीकों से चले जाने पे जरूरी है, तो ये बात है इसकी। जी 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 आसिफ साहब, प्लीज प्लीज, थैंक यू आसिफ साहब, शायर ने कहा था, उसने कहा तो मैंने जाना, गोया ये भी मेरे दिल में है, तो बिल्कुल सर ऐसा ही है ये। बल्कि कल ही मैं एक इसी तरह ऑनलाइन कोर्स देख रहा था तो उसमें ये आज भी वॉरेन बफे का जिक्र हुआ, तो उसे एक और कामयाब खातून ने पूछा कि यार आपकी जो स्ट्रेटजी है उस पर लोग उस पर अमल क्यों नहीं करते, आप इतने कामयाब आदमी हो, इतने सियाने हो, इतने अमीर हो, लेकिन लोग आपका मॉडल फॉलो क्यों नहीं करते। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा कि लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जबकि जो आज का इंसान है वो हम जरा बड़े बड़े एम्बिशियस टारगेट्स बताते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो दिनों में, चुटकियों में, इंडिविजुअल्स, हम सारे डबल शाह हैं, अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दें ना, तो डबल शाह वाला माइंड जो है ना वो वाला कामयाब नहीं हो सकता, वही है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वॉरेन बफे वाला मामला मॉडल ही कामयाब है कि लोगों में पहले चीज़ बताई जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो सरायत कर जाए, पहले इनोवेशन क्रिएटिविटी की बात करना ज़रूरी है, यानी कि पहला काम ये है कि आप कोलीग्स को ये ना कहें कि कल सुबह तुम दफ्तर आओगे ना 8 बजे तो तुसी सारे के सारे इनोवेटिव और क्रिएटिव हो के आओगे, घर से ऐसा नहीं हो सकता जी, ठीक है जी, लोग 2 पराठे खा के 1 कप चाय पी के क्रिएटिव नहीं हो जाएंगे, पहले ज़रूर है कि लोगों को मौका दिया जाए, इस चीज़ पे बात की जाए, कायल किया जाए, और फिर उन्हें कहा जाए कि आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें जो जिनको हम कबूल करें, हम इन्हें अप्रिशिएट कर सकें। और मैंने जैसे कहा आपसे कि ज़रूर है कि जो वो हमारा कल्चर रहा है ना कि हम सवाल को अप्रिशिएट नहीं करते, बहसियत वालदैन भी, मैं सर अपनी बात करूँगा, और बहसियत उस्ताद भी, कि हमसे जो ज़्यादा सवाल करें हम परेशान हो जाते हैं, क्या हमें कोर्स कवर करना होता है ना, हम कहते हैं यार ये सेमेस्टर में कोर्स कवर नहीं होगा, ये सवाल ही किए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये कल्चर चेंज हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला होगा कि हम अपने दफ्तरों में, घरों में, अपने क्लासरूम्स में ये चीज़ बातें करेंगे जी। इमरान शाकिर साहब, उन्होंने भी हैंड रेस किया जी। भाई आपका बहुत शुक्रिया, बस ये मैं जैसे आइडिया को हम हैमर कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं ना इस वक्त इस बड़े ही संजीदा मौजू पे और बड़े इम्पोर्टेंट आइडिया पे, तो यही हमें इस पे भी सबसे पहले अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए, उसके बाद हमें डॉक्टर नईम अफजाल साहब का, यासिर साहब, मेजर साहब, सारी टीम का, कि हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, इसको अपने आप को सेंसिटाइज कर रहे हैं,
कि हम क्वेश्चन अपने आप से को करें, फिर हम लोगों से भी, लोगों के क्वेश्चन सुनने का भी ज़र्फ पैदा करें, हौसला पैदा करें। और जो लोग मशरक में वो चीज़ें जो नहीं हो पा रही, वो हम वो आइडियाज़ मगरब से या जहाँ से भी हमें मिलते हैं शुमाल जनूब से, वो ऑप्ट करें। तो अगर टोयोटा वाले करते हैं, अगर जो है DHL करता है, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, हमारे टैफ्टा को भी चाहिए, PVTC को चाहिए, या जितने भी और यूनिवर्सिटियाँ हैं वो करें, इदारे करें कि हम अपना एक कल्चर इवॉल्व करें। मैं अक्सर अपने बच्चों को, अपने कोलीग्स को कहता हूँ कि लाहौर में एक्सपो सेंटर है, तो एक्सपो सेंटर में जो है ज़ाहिर है हर वक्त कोई ना कोई वीकेंड में मेला सजा होता है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई कम्युनिटी आई होती है। तो इस तरह हर कम्युनिटी को अपना कोई शोकेस करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे एम्प्लॉयज़ की, हमारे लोगों की ये क्रिएटिविटी है, ये इनोवेशन है। और लोगों को सीड मनी HEC देता है। मैं अब तो ज़रा यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ को में डिपार्टमेंट्स भी सीड मनी देते हैं बच्चों को प्रोजेक्ट्स के लिए, HEC देता है, और इस्लामाबाद में कई और इदारे हमने बनाए हैं जो कि फंडिंग कर रहे हैं। तो वो जाहिर है, जैसे वो शायर ने कहा था कि ये और बात है तामीर ना हो सके, ये और बात है तामीर ना हो सके, यूँ तो हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। तो अगर लोधरा में या कोई मियाँ चन्नू में हमारा बच्चा बैठा है, हमारा कोलीग है, उसके पास एक आइडिया है, लेकिन वो उसका उसने प्रोटोटाइप बना लिया है, छोटा सा प्रोटोटाइप बना के उसने हमें बता दिया है कि ये अगर आप मुझे सीड मनी दे दें तो मैं आपको बड़ा ट्रांसफार्मर बना के दे दिखा दूंगा। तो हमें देना चाहिए लाहौर में बैठे हुए इस्लामाबाद में जो अरबाब बस्त व कुशाद और अरबाब इख्तियार हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो फंड्स आते हैं, फंड्स का रुख लोधरा की तरफ या शोरकोट की तरफ, उस बच्चे की तरफ, उस इंडिविजुअल की तरफ करें, और फिर उसकी क्रिएटिविटी वो वहाँ पे ना रह जाए कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उसे लाहौर बुलाया जाए, यहाँ पर जहाँ भी आप मुनासिब समझें, एक्सपो सेंटर में आपका जो भी कोई अपना आपका प्रेमिस हो आपके इदारे का, वहाँ उस क्रिएटिविटी को दिखाया जाए, उसे मीडिया पे लाया जाए, उसे लोगों के सामने लाया जाए, ताकि वो हम सेल्फ पिटी से निकलें। वो जो हम हमेशा बात करते हैं ना कि यार हम तो सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, ये डेविड जॉन का काम है, हमारे मुनीर बशीर को तो आइडियाज़ ही नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुनीर बशीर के पास भी बड़े आइडियाज़ हैं, बस उस बेचारे को थपकी नहीं मिलती, उसे जो है ना हम वो प्रमोट नहीं करते, उसे हम अप्रिशिएट नहीं करते। ये हमारा वो दुख है, हमारा अलमिया है, लेकिन आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें इंक्रीमेंटल होती हैं, जैसे हमने उसमें देखा भी स्लाइड में, और कोलीग्स भी बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ तब्दीलियाँ हो रही हैं, हम तब्दील हो रहे हैं, हम वैसे नहीं हैं जैसे हमें सिर्फ पढ़ाया गया था, वो जो हमारा पुराना तरीका है कार था कि जिस तरह से पढ़ाया गया ऐसी उनजी पढ़ावाँगे, अब हम मुसर नहीं हैं कि अगर हमें जिस तरह नहीं पढ़ाया गया हम नए तरीके से भी पढ़ाने को तैयार हैं। ये इंशाल्लाह ताला बस अल्लाह की ज़ात हमें आसानियाँ अता करें और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ दे। ये दुआ आप भी करें, मेरे वास्ते भी करें, मैं तुहाडे वास्ते दुआ गूँ कि हम मिलकर ग्रो करें और हमारी ज़िंदगी में हम ये वक्त देख सकें कि हम लोग भी अपने मसलों के हल हम बाहर से ना मंगवा रहे हों,